नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है और हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के जो अली बाबा और 40 चोर हैं, उन 40 चोरों की और अली बाबा की खास तौर पर मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज दो बड़े मामले उनके मामले में हुए, जहां राव रेवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी आज जमानत को ठुकरा दिया। उन्हें एक बार फिर से उनकी जो याचिका थी उसे खारिज करते हुए उन दोनों को आज 7 मार्च तक के लिए वापस तिहाड़ जेल भेज दिया कोर्ट ने। जो सिसोदिया 26 फरवरी से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, 1 साल उनको हो चुका है। इसके अलावा जो संजय सिंह है, जो कभी छाती ठोक ठोक के कहा करते थे कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, अब वो तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें जमानत नसीब नहीं हो पा रही है। ये दोनों, हम आपको ये भी बता देते हैं, ये दोनों नेता एक ही मामले में, यानी कि जो शराब घोटाला था दिल्ली के अंदर, जो जहरीली शराब यानी कि साउथ लॉबी को जो एंट्री दी थी इन्होंने, उसमें फंसे हुए हैं। करोड़ों रुपए का हेर फेर इन दोनों नेताओं ने किया था। इनमें इनका जो मास्टरमाइंड था अरविंद केजरीवाल, वो भी ईडी का मोस्ट वांटेड बन चुके हैं अब, और उन्हें भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। 8वां समन उनके खिलाफ जारी हो गया है ईडी का, और वो अपने आप को ईडी से बचाने के लिए जो विधानसभा का जो बजट सत्र है उसको लगातार लंबा खींचते जा रहे हैं, और 4 फरवरी के लिए उन्होंने बजट पेश करने की बात कही है, और 4 फरवरी को ही उनकी ईडी के सामने पेशी है, उनका सम्मन है, लेकिन वो जाने वाले नहीं है, क्योंकि पता है कि ईडी उनको अब वापस नहीं आने देगी और उनका जो असली घर है तिहाड़ जेल वहां भेज कर रहेगी। इसके अलावा आज एक और बड़ा मामला सामने आया, जो मामला था तिहाड़ जेल में प्रोटेक्शन मनी लेने का, यानी कि आप समझिए किस तरीके के लोग आपने चुनकर भेजे, पैसे के लिए दौलत के लिए कितने पागल थे। भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहकर ये सत्ता में आए थे, दिल्ली की जनता को इस तरीके से फरेब उनके साथ करके वो जिस तरीके से सत्तासीन हुए, उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप समझिए इस बात को, इसी से समझ जाइए कि तिहाड़ जेल जैसी जगह भी इन्होंने नहीं जो छोड़ी, जो तिहाड़ जेल कभी गुंडे बदमाश और लुटेरे चोर उचक्कों की जगह कही जाती थी, इन लोगों ने वहां से भी मलाई काट ली। ये बहुत गंभीर आरोप इन पर हैं, और आज एलजीवी के सक्सेना ने इस मामले में, यानी कि जो प्रोटेक्शन मनी ये वसूल कर रहे थे तिहाड़ जेल से, उस प्रोटेक्शन मनी की वसूली के मामले में आज एलजीवी के सक्सेना ने सत्येंद्र जैन और दूसरे जो लोग उनमें इसमें फंसे हुए अधिकारी थे तिहाड़ जेल के, यानी कि डीजी उस टाइम के जो थे संदीप गोयल, उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, और आदेश देने के बाद इस पूरे मामले को गृह मंत्रालय को भेज दिया है। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, और परत दर परत जब इससे पर्दा उठेगा तो इनके जो भारत रत्न जिसके लिए कहा जाता था सत्येंद्र जैन, जो अभी भीख मांगकर अंतरिम जमानत पर है, स्वास्थ्य की भीख मांगकर अंतरिम जमानत को बढ़वाए जा रहे हैं, उन पर एक बार फिर से मामला गर्म हो जाएगा कि किस तरीके से तिहाड़ जेल के कैदियों से भी प्रोटेक्शन मनी लेकर ये अपने घर भर रहे थे। ये पूरा मामला आप समझिए, जब दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल जेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय पर उगाही का, अवैध उगाही का, प्रोटेक्शन मनी नाम के ना जो एक पूरा रैकेट चलाया इन्होंने तिहाड़ जेल में, और जो उस टाइम पे तत्कालीन जो डीजी तिहाड़ थे संदीप गोयल, आप इन बातों पे जरा गौर कीजिए, संदीप गोयल, इसके अलावा सत्येंद्र जैन, ये जो पूरा मामला था आप समझिए, अरविंद केजरीवाल, ये सारा जो एक पूरा नेक्सस बना
आप समझिए पूरा नेक्सस जिस तरीके से तैयार हुआ, इन्होंने तिहाड़ जेल में जो उगाही का ड्रामा नाटक शुरू किया है, उगाही का जो पूरा रैकेट चलाया, सिंडिकेट खड़ा कर दिया इन्होंने। अभी तक सुनते थे बड़े बड़े वहां पर जो बदमाश कैदी, जो गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, वो वहां से जो दूसरे कैदी आते हैं उनसे जो प्रोटेक्शन मनी के नाम पे पैसा वसूलते हैं, लेकिन ये सारा धंधा उन गैंगस्टर्स का चौपट करके सरकार खुद अवैध उगाही कर रही थी। ये बहुत बड़ा मामला था जो तिहाड़ दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से इन्होंने पूरा ये प्रोटेक्शन मनी का मामला शुरू किया, और करीब 10 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप है। ये जो आरोप लगाया था, ये मामला सामने कैसे आया, जो तिहाड़ जेल के अंदर जो एक महाठग हैं, सुकेश चंद्रशेखर बंद हैं लंबे समय से महाठगी के आरोप में, फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी हीरोइनें भी इससे उनके रैकेट में फंसी हुई थी, तो उन्होंने जब ये बताया लेटर लिखकर, ये जो बम फोड़ा राज्यसभा के लिए, साहब ने पैसे ले लिए थे उनको टिकट देने के लिए, और जब ये रैकेट सामने आया तो सारा भंडाफोड़ हो गया। उनका कहना था, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि करीब 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर आराम से रहने के लिए दी थी, और वो प्रोटेक्शन मनी कौन ले रहा था, वो संदीप गोयल के जरिए सत्येंद्र जैन तक पहुंचाई जा रही थी वो प्रोटेक्शन मनी। और उसमें पूरा मामला जब सामने आया तो ये सारा भंडाफोड़ हुआ, जो डीजी तिहाड़ थे संदीप गोयल उनको हटा दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनके ऊपर केस चल रहा है। इसके अलावा इससे पहले एलजी ने जो जांच के आदेश दिए थे उसमें तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल के अलावा इशारे पर पैसे उगाने के लिए तिहाड़ जेल के तत्कालीन अधीक्षक राजकुमार भी शामिल थे। ये राजकुमार जिस तरीके से पैसा ले रहे थे, पैसे को बाहर तक पहुंचा रहे थे, ये सारी चीजें अब खुल चुकी है, क्योंकि इस पे सीबीआई पहले से ही राजकुमार से पूछताछ कर रही है। और उसके बाद जब महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था खत के द्वारा भी, और वैसे भी अपने बयान रिकॉर्ड कराकर भी, कि 2018 से 2021 के दौरान विभिन्न किस्तों में 10 करोड़ रुपया इन्होंने दिए, इसके अलावा 12 करोड़ रुपए एक मुकेश नाम के और इनके साथी थे डीजी तिहाड़ के, वो और अन्य दो और अधिकारी थे जिनके जिनको 12 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर ने दिए। और ये जो पूरी वसूली थी, इसमें क्या चल रहा था, कैसे ये वसूल कर रहे थे, ये सारा बिल्कुल सामने आ चुका है, ये भंडाफोड़ हो चुका है, और अब इस पर सीबीआई जांच अपनी शुरू करेगी, क्योंकि एलजी वी के सक्सेना ने अब इसकी जांच के आदेश सीबीआई को दे दिए हैं, और ये मामला पूरा गृह मंत्रालय को भेज दिया। गृह मंत्रालय 1-2 दिन में इस फाइल को सीबीआई को दे देगी, और सीबीआई जब जांच करेगी तो ये बहुत बड़ा बम फूटने वाला है, और ये उस वक्त होने वाला है, आप समझिए, जिस वक्त दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर चुनाव है, और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से गलवैया करके जानबूझ के अपने आप को पूरे देश के अंदर सक्रिय करना चाह रही है। तो बहुत बड़ी बात है ये प्रोटेक्शन मनी पहले गुंडे बदमाश लिया करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी से बड़ा कौन, तो देखिए किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर ने पूरा भंडाफोड़ किया, और अभी भी लगातार वो अपनी जो जिस तरीके से उनको तिहाड़ जेल के अंदर धमकी दी जा रही है, वो बराबर खत लिखते हैं, और वो खत जैसे ही बाहर आता है बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और वो ब्लास्ट ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल को बगले झांकने का भी मौका नहीं मिलता है। बहुत बड़ी बात है, तिहाड़ जेल को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, किस तरीके के वसूली रैकेट ये चला रहे थे, और अब सीबीआई जब इनके खिलाफ जांच करेगी तो बहुत जल्दी बहुत सारे चेहरों से नकाब उतर जाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।